हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रीट साइड वड़ा पाव की रेसिपी, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो उसके लिए मैंने लिया है 5 से 6 बड़े आलू, बॉयल आलू, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 1/2 टेबलस्पून मेथी दाना, 1 टेबलस्पून अक्खा धनिया, राई, जीरा, कड़ी पत्ता, कोथमीर, 4 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट, हल्दी, सॉल्ट और ऑयल। तो सबसे पहले हमें पैन में ऑयल को गरम कर लेना है। मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है, उसे अच्छे से गरम कर लेना है। अब उसमें हमें कड़ी पत्ते, 10-12 कड़ी पत्ते उसमें डाल देने हैं। ऑयल को अच्छे से गरम होने के बाद हमें कड़ी पत्ता डाल देना है उसमें। अब उसमें राई और जीरा, जो मैंने 1/2 टेबलस्पून दोनों ले लिया है, तीनों को अच्छे से पका लेना है। क्रैकल हो जाना चाहिए राई और जीरा, अच्छे से क्रैकल होना चाहिए। अब उसमें मैंने अक्खा धनिया, जो कोरिएंडर सीड्स होते हैं, वो मैंने 1 टेबलस्पून डाल दिया है। 1/2 टेबलस्पून से भी कम मेथी दाना डाला है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब उसमें अदरक लहसुन पेस्ट डाल देना है। अदरक लहसुन अच्छे से भर के हमें 2-3 टेबलस्पून डाल देना है उसमें। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल चली जानी चाहिए, तब तक उसे पका लेना है। अब हमें उसमें हरी मिर्च, 2 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट डाल देना है। आप जैसा तीखा खाते हैं उस हिसाब से आप हरी मिर्च का पेस्ट डालिए। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून दिखाया, लेकिन मुझे बाद में उसमें कम लगा तो मैंने और 2 टेबलस्पून ऐड कर दिया था। और 1/2 टेबलस्पून हल्दी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। फास्ट गैस पे ही उसे पका लेना है। अब हमें गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है और उसमें हमें क्रश किए हुए बॉइल पटेटो, जो हमने 5 से 6 बड़े आलू ले लिए हैं, वो डाल देना है। स्वाद अनुसार नमक, सॉल्ट आप आपके टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हमें उसमें कोरिएंडर लीव्स डाल देने हैं। धनिया अच्छे से डालने के बाद उसे मिक्स कर लो। आप देखिए किस तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। तो अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि बैटर कैसे बनाते हैं। तो मैंने उसके लिए 2 कप बेसन ले लिया है, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1/2 पिंच ऑफ बेकिंग सोडा और 1 ग्लास वाटर। उसमें से भी मुझे पानी 1/2 ग्लास वाटर लगा है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए, एक साथ पानी नहीं डालते उसमें, नहीं तो अपना बैटर पतला हो जाएगा। उसमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डाला जाता है। आप देखिए किस तरह से हमें रखना है, इतनी पतली बैटर हमें रखनी है। आप देखिए इतना पतला हमें रखना है। सो बैटर होने के बाद हमें बड़े को राउंड स्टिकी के शेप में कर लेना है। अब उसमें हम बैटर में उस टिक्की को डाल देना है और ऑयल में उसे छोड़ना है। ऑयल गरम होना चाहिए। ऑयल अच्छे से गरम करने के बाद ही हमें ये वड़े डाल देने हैं। अब देखिए किस तरह से मैं डाल रही हूँ। और एक साथ मैंने 2 ही वड़े फ्राई किए हैं, क्योंकि मैं एक साथ ज़्यादा वड़े फ्राई नहीं करती। ब्राउन होने तक उसे पका लेना है। आप देखिए किस तरह से मेरे वड़े ब्राउन हो चुके हैं। 6-7 मिनट तक मुझे फ्राई करना पड़ा, देन रेडी टू सर्व।